आज हम लोग जो टॉपिक फिफ्थ के अंतर्गत चैप्टर पांचवा के अंतर्गत द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो एक महत्वपूर्ण अंग है, ऑर्गेन है, इस पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। इसी को थोड़ा सा और हम स्पष्ट करेंगे और साथ ही साथ इसके बाद हम जो उच्च की इकाई है यानी सर्वोच्च इकाई सुप्रीम कोर्ट, उससे अधीनस्थ जो अन्य कोर्ट है इस पर चर्चा करेंगे बाद में। किंतु आप सबको ज्ञात है कि सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका जो विधान बनाता है, नियम बनाता है, किसके लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए, उस नियम उस विधान के अनुसार देश को चलना होता है, जिसका लक्ष्य जनता का हित, जनता का कल्याण और देश का हित, देश का विकास होता है। दूसरा, उस नियम को लागू करना जो कार्यपालिका का कार्य है, यानी जो भी विधान बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जो विधान बनाए जाते हैं उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये दो इकाई हो गई, दो अंग हो गया। और तीसरा अंग जो है वह है जुडिशियरी, जो न्याय व्यवस्था के लिए तथा संविधान की रक्षा के लिए यह ऑर्गेन एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अंग होता है। इसमें सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो इस जुडिशरी के अंतर्गत हमने देखा था कि सर्वोच्च देश का जो जुडिशरी सिस्टम है उसका संचालन, उसकी देखरेख, उसका दिशा निर्देशन, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण देश के लिए करता है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने बताया था कि इसकी जो रचना होती है कि इसमें प्रारंभ में तो कुछ कम न्यायाधीश हुआ करते थे, किंतु अभी वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कुल वर्तमान में, इसकी रचना के बारे में कहा जाता है कि कुल 34 है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायाधीश है। और वर्तमान में शरद अरविंद S.A. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और रंजन गोगोई से जस्ट बात की का अपॉइंटमेंट हुआ है, कि नियुक्ति हुई है। और ये देश के 47वें राष्ट्र चीफ जस्टिस हैं। यानी अब आप लोग कल्पना कीजिए कि चीफ जस्टिस कौन बनते हैं। वास्तव में जो मोस्ट सीनियर होते हैं, अपने कार्यकाल का अंतिम पड़ाव में उनको ऐसे जजेज को मौका मिल पाता है। यही कारण है कोई एक साल, कोई 6 महीना, कोई 2 साल, कोई 1.5 साल इस प्रकार से इस पद पर रह पाते हैं और अवकाश प्राप्त होते हैं। आपको पता है कि हमने पहले ही कहा था कि 65 वर्ष की अवस्था में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनको हटाने के लिए हमने कहा था कि बहुत कठिन प्रक्रिया है, संसद के दोनों सदनों के 2/3 मेजोरिटी के माध्यम से ही हटाया जाता है। ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, सामान्य तरीके से इनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना असंभव है। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी
पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या हमने बताया था कि ऑल दी स्पष्ट है कि कार्यपालिका और विधायिका में किसी भी प्रकार का विभेद होता है, डिस्प्यूट बिटर आता है, उस पर निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो और संविधान में वर्णित नियमों को अक्षरशः पब्लिक सरकार संगठन कर रहा है अथवा नहीं, इसकी देखरेख का भी कार्य सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो इसी के अंतर्गत हमने देखा था कि पावर और फंक्शन में कुछ चर्चा भी हुई थी, आज पुनः यह है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर एंड फंक्शन में पढ़ना। तो इसमें देखा जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट डिस्प्यूट मैटर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स इन द शॉर्ट में लिखा है, यानी एक उस केंद्र की सरकार तथा दूसरे पक्ष में एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकार के बीच का ऐसा कोई डिस्प्यूट मैटर आता है तो उस पर निराकरण का कार्य, जजमेंट देने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का होता है। ये पावर के अंतर्गत, कार्य के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का आता है। दूसरा है, ऐसी भी स्थिति आती है कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ कोई डिस्प्यूट मैटर आता है, विवाद होता है, तो वैसी स्थिति में इस दोनों के बीच यदि टू और मोर स्टेट्स, दो अथवा दो से अधिक राज्यों के बीच में, हम कावेरी जल विवाद के बारे में हमने कहा था, कर्नाटक और उससे संबंधित दो दो तीन और राज्य है, उनके बीच में जो जल विवाद की बात है उसका कौन निराकरण करेंगे? कर्नाटक की सरकार अलग दबाव डालेंगे कि हमको इतना कुछ एक पानी चाहिए या हम देंगे या उससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो तमिलनाडु की सरकार का अलग जवाब रहेगा कि हमको इतना चाहिए। तो यानी इस प्रकार से कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग चर्चा पहले भी किए हैं, आज भी स्पष्ट किए हैं। तो इस ऐसा यदि मुद्दा डिस्प्यूट मैटर आता है दो राज्य अथवा दो से अधिक राज्य के बीच में, यदि किसी कोई डिस्प्यूट मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज टू टेक डिसीजन बट विल बी बेटर फॉर बोथ स्टेट्स। तीसरा है कि यूनियन गवर्नमेंट एंड ए स्टेट, कोई और राज्य की सरकार, एक पक्ष में हो गया केंद्र की सरकार और एक आध ऐसी कोई राज्य की सरकार, और दूसरे पक्ष में हो गया एंड अनदर साइड मोर स्टेट और कुछ राज्य भी हो सकते हैं, ऐसा भी विवाद होता है। ऐसे विवादों का निपटारा के लिए डिस्प्यूट मैटर में सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं, अधिकृत होते हैं उस पर जजमेंट लेने के लिए। अब अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, इसमें सुप्रीम कोर्ट में दूसरा भी पावर है, शक्ति है, कार्य है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है, उसी में अब सिविल केसेज है, क्रिमिनल केसेज है, इन सारी बातों पर सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद है स्पेशल लीव टू अपील। इसमें क्या होता है स्पेशल लीव टू अपील, इसमें क्या होता है, इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि दूसरे किसी अन्य कोर्ट जो अधीनस्थ कोर्ट में है उस पे यदि किसी प्रकार का निर्णय लिया गया है और यदि उससे कोई पक्ष या प्रतिपक्ष जजमेंट को उचित नहीं मानता है, तो ऐसी स्थिति में या संतुष्ट नहीं होता है तो उसको अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, तब जाकर कहता है सुप्रीम कोर्ट हैज राइट, उसको अधिकार है कि ऐसे मुद्दे को वो अपने कोर्ट में सुनवाई के लिए आज्ञा दे दे, अनुमति दे दे। तो इसको कहते हैं स्पेशल लीव।
इसके बाद एक और है एडवाइजरी पावर। ये क्या है कि सरकार को या यूं कहें कि राष्ट्रपति को, क्योंकि हर कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, तो राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार का सलाह सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इस प्रकार का अधिकार या कार्य सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट उनसे सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति उनसे परामर्श ले सकते हैं, किंतु वो दबाव नहीं डाल सकते हैं राष्ट्रपति के हमको आप इस प्रकार का सलाह दीजिए ही। तो ऐसे सलाह के लिए जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को है, ऐसे अधिकार को, ऐसे पावर को एडवाइजरी पावर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक है, हमने पहले ही कहा है संविधान का रक्षक तो है, तो निश्चित रूप से वो प्रत्येक नियम कानून जो देश के हित के लिए बनाए गए हैं, संविधान में संकलित किए गए हैं, उसके लिए क्या है तो संरक्षण करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट ही करता है। अब है कि आप सबको ज्ञात होगा कि बेसिकली वी आर गोइंग अबाउट द फंडामेंटल राइट, देयर आर सिक्स फंडामेंटल राइट, नाउ वन इज मोर फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेट एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। तो ये सभी मौलिक अधिकार जो है जो संविधान में है उसका अक्षरशः पालन हो रहा है अथवा नहीं, इसकी देखरेख का कार्य, इसके लिए गार्जियन का कार्य कौन करता है, इसके लिए गार्जियन का कार्य कौन करता है तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो है वह है व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता है ताकि उसका बेटर परफॉर्मेंस, बेटर वेलफेयर हो सके, पूरे आज़ादी के साथ रह सके और उसका अधिक से अधिक कल्याण हो, हित हो, इसके लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं व्यक्तिगत बेटरमेंट के लिए, इंडिविजुअल बेटरमेंट के लिए। और यदि इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप होता है तो वैसी स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी वैसी स्थिति में यह सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड ऑफ दूस टाइप ऑफ राइट विच आर रिलेटेड टू, विच आर अंडर फंडामेंटल राइट, यस दे हैव राइट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फंडामेंटल राइट्स को संरक्षण प्रदान करना पब्लिक के लिए, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित है, ऐसे संविधान में ऐसे अधिकारों के लिए संरक्षण का कार्य सुप्रीम कोर्ट ही करता है। इसके बाद एक है यानी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट में मामले आते हैं सामान्यतया सभी, तो उस पर जो तर्क वितर्क होता है, बहस होती है और उसमें जो जज के द्वारा जजमेंट दिए जाते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है, तो ऐसे वो अभिलेख के रूप में, प्रमाण के रूप में वो आदर्श होता है, एग्जाम्पल होता है कि इस प्रकार के केसेस में इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दिशा निर्देशन है। तो अब उससे उस प्रकार का जो कोई भी केसेस होगा किसी अन्य उच्च न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालय में, वो एग्जाम्पल हो जाएगा, उस एग्जाम्पल को आधार मान करके अन्य जजमेंट लेने का कार्य अधीनस्थ न्यायालय में किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है, यह भी एक इट हैज ए राइट टेक रिकॉर्ड टू दिस टाइप ऑफ पावर इज नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड।
तो ये सारे महत्वपूर्ण पावर हैं, शक्तियां हैं, इसके बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से पिछले दिन भी सुना था, जाना था। और इसके बाद जो है, आप सबको कल्पना करें कि संपूर्ण देश के स्तर पर क्या, कभी आप लोगों ने सोचा कि संपूर्ण देश के स्तर पर क्या एक सुप्रीम कोर्ट ये सभी प्रकार के कैसे को टेकअप कर सकता है? कहते नहीं, बड़ा व्यापक है। प्रतिदिन सैकड़ों केसेज कोर्ट में डायरेक्ट होता है, फाइल होता है, तो और एक एक केस पर महीनों महीनों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं जजमेंट देने पर। क्यों इतना लेट लगता है? उसके पीछे यही कारण है कि लंबा अंतराल तक केस चलता है, उस पर डिबेट बहस होती है। तो वैसी स्थिति में कि गलत जजमेंट ना हो और जो सही हो जजमेंट, जो सबके हित में, जो संबंधित व्यक्ति को उचित न्याय दिलाने का कार्य सही मायने में करता है, इसीलिए अधिक समय दिए जाते हैं ताकि सच्चाई कोर्ट के सामने अंततः आ जाए और उसके अनुरूप जजमेंट किया जाए। इसलिए विलंब भी होता है और साथ ही साथ उसके लिए प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं को के अनुसार से चलना होता है। सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, फुल बेंच है, फिर नीचे की अदालत है, फिर उसके बाद की अदालत है, हाईकोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो इन तमाम कारणों के चलते, प्रक्रियाओं के चलते ज्यादा लंबा समय लग जाता है। एक हमको याद है कि एक बार जब तत्कालीन रेलवे मंत्री ललित नारायण मिश्र हुआ करते थे और आपके जिला में समस्तीपुर में एक बड़ी लाइन का उद्घाटन करने की 1975 की बात है, आप लोग उसमें बहुत नहीं रहे होंगे, बहुत बाद की बात है, आप लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, बहुत बाद जन्म लिए हैं। तो यहाँ पर षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या हो जाती है, खींचने हो जाते हैं, और किंतु बचाने का भी प्रयास हो सकता था, किंतु पता नहीं क्या सिस्टम या किस प्रकार की बाध्यताएं थी जिसके कारण इलाज नहीं कराया गया या बहुत विलंब कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उस महान व्यक्ति की वहीं पर हत्या हो जाती है, कनिगर हो जाता है। और नतीजा क्या हुआ, वह इससे संबंधित जो केसेज कोर्ट फाइल किया गया वह है, उसका जजमेंट लगभग 44-45 वर्ष के बाद आया। इसलिए उनका बेटा ने कहा कि इस प्रकार न्यायपालिका इतने विशिष्ट और महत्वपूर्ण व्यक्ति के मामला में जब दशकों जजमेंट देने में विलंब कर दिया गया और उसमें जो आरोपित थे शायद भी बहुत पहले गुजर चुके थे, तो जजमेंट तो सजा थी किसको जाएगी। तो इसीलिए यदि एकाध कोई इक्के दुक्के होंगे भी तो इस प्रकार का पनिशमेंट देने का कोई अर्थ नहीं होता है। और हमारे तरफ से निवेदन होगा कोर्ट को कि उनको आप किसी प्रकार का ऐसी सजा न दीजिए। क्या मतलब हुआ कि 45 वर्ष के बाद, 43 वर्ष के बाद इसका जजमेंट आया। सोचिए कि इतना लंबा अंतर क्यों हुआ। कहीं न कहीं इसमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मतलब कोर्ट में ढेर सारे ऐसे केसेज हैं जो लंबित हैं, इसके लिए वो समय से उसका निष्पादन नहीं हो पाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा केसेज दायर हो जाते हैं। तो देश के तमाम केसेज को देखने के लिए न्यायपालिका के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन कई अन्य हाई कोर्ट्स है जो डिफरेंट स्टेट्स में बटा होता है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर, क्या होता है, ये तमाम हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ और प्रत्येक राज्य में जिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उसके अंतर्गत और भी यूनिट है, सब यूनिट है,
वो क्या करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, तो ताकि वर्कलोड कम हो और कार्यों का निष्पादन और हर प्रकार का कैसे मामला मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं ले जाया जाए, इस प्रकार से विधान बनाया गया है और हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो वर्तमान में भारतवर्ष में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, और इन तमाम 2500 हाई कोर्ट के अंतर्गत अन्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट है। तो अगले दिन हम लोग ये हाई कोर्ट जो है इसकी रचना, इसके अधिकार, कार्य क्षेत्र, जजेस की नियुक्ति आदि के बारे में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।